अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और आप सबको मेरी तरफ से जो है ना ईद मुबारक। मैं अभी लाइव आया हूँ, ये जो चल रहा है ना तकरीबन, ये कल से मैंने देखा है, आज आज मुझे पता चला है, एक दो दिन से ये जो चल रहा है कि जी ये हो गया वो हो गया, सलमान ने ऐसे कर दिया, तो पता नहीं अब ये क्या चल रहा है, किसने शुरू किया है। तो इसीलिए मैंने कहा मैं जाऊँ लाइव तो देखता हूँ लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में। वो भी मैंने इकरा सिस्टर से भी कहा है कि वो आ जाए लाइव, मेरे ख्याल में वो भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो जी ये नीचे जो है ना कमेंट आ रहे हैं कि सलमान जवाब दे, सलमान किस चीज का जवाब दे? मैंने अभी लिंक दिया हुआ है, आप लोग आए लाइव में तो लाइव में आके मुझे बताए ना कि सलमान किस चीज का जवाब दे, पहले आप अपना सवाल तो बताए ना मुझे। तो जिसको भी आके यहाँ से यहाँ पे कोई क्वेश्चन करना है तो वो आए आके लाइव में आए, ठीक है ना, आके पूछे मुझसे, तो सलमान को भी मैं बुला लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। अस्सलाम वालेकुम रईस भाई, कैसे आप? मुबारक मुबारक आपको। आपको भी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह सलमा बच्चे कैसे है? सब ठीक है, अल्लाह का करम है। अच्छा, आपके ब्लॉग्स में आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सही बहुत है, अच्छे ब्लॉग्स गए रमजान के। रोज क्या बोलते, हमारी आंखों को सुकून मिलता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। रईस भाई, ये जो मसला चल रहा है ना, उसका कंक्लूजन चाहिए चाहिए। इन द सेंस के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, और सलमा को नहीं आना चाहिए। सलमा को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ डिसअपॉइंट हूँ बिया फरिया और इकरा से, जो दोस्ती यारी पे कम्युनिटी लगाई या जो वीडियो लगाया। क्योंकि जब सलमा अपना मसला वाईटी पे लेकर आई थी, सलमा ने कोई भी वीडियो में कहा भी किसी को भी नहीं बोला कि मेरी मदद करो। वो सिर्फ अपना एक प्रॉब्लम लेके आए थे। सारे लोग, सही सबा समीरा, सारी पूरी जनता कूदी थी कि हमें सलमा को हेल्प करना है। और सलमा की जो मानसिकता या जो मेंटल हेल्थ थी उस टाइम बहुत लो थी। तो सबा आई, सबा ने हेल्प किया। थैंक यू वेरी मच सबा, बिकॉज अगर आप नहीं आती, आपका जज्बा देख के इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि लोग हेल्प कर पाते। तो आपकी एग्जाम्पल से बिया को हिम्मत आई, बिया आई, इकरा आई, पूरी टीम लेकर आई और बहुत अच्छी तरह से चीजों को संभाला। एंड आई रियली अप्रिशिएट बिया एंड इकरा की साइकोलॉजिकली हेल्प ली, प्रोत्साहन दिया, सलमा और की लाइफ को सेटल किया और बहुत सारे लोग जुड़े। बिया के बहुत फैन फॉलोइंग है। बिया इज अ वेरी वेरी गुड स्पीकर, वेरी व्हाट यू से, बहुत अच्छा बोलती है। लेकिन यस, जब सलमा और असगर आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स कंक्लूजन करके वाईटी से निकल गए थे, टॉपिक क्लोज हो गया था। आपको अगर याद है कौन से महीने में रईस भाई, कौन से महीने में ये हुआ था? ये अगस्त में हुआ था मेरे ख्याल में अगस्त, तो अगस्त, जी। और अभी ये हुआ है अप्रैल, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 8 महीनों से सिर्फ कीचड़ बना, पानी में लप लप करके कीचड़ बनाया गया। अब वो कीचड़ उछल उछल के बिया इकरा के शरीर पे आ रहा है। तो आई वुड रेकमेंड बिया इकरा, यू नीड टू एग्जिट वेरी रिस्पेक्टफुली, बिकॉज यू अभी सलमा असगर को इन्वॉल्व करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यू आर जस्ट रूइनिंग सलमा असगर रेपुटेशन। जो शांति आप लेकर आए थे ना, उसी को ही आप भंग करने वाले हो। तो मेरा, आई वुड रियली सजेस्ट कि प्लीज डोंट क्रिएट एनी ईगो इश्यूज, डोंट कीप एनी ग्रजेस, पीसफुली आउट ऑफ रिस्पेक्ट प्लीज एग्जिट वाईटी। अभी यूट्यूब को सलमा की जरूरत नहीं है। सलमा कैन फाइट हर ओन वॉर एंड वी आर देयर, हर व्यूअर्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ हर। हम लोग व्यूअरशिप दे के उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, अच्छी कमेंट्स करके। शी कैन फाइट हर ओन वॉर, रईस असगर कैन फाइट हर ओन वॉर, सो मेरा ये एक ही मानना रहेगा कि पीसफुली प्लीज समझ के लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई बंद करो। प्रूफ जो इधर के उधर लगाया जाते हैं, धमकी, ब्लैकमेलिंग चल रही है, वो बंद करो। नेगेटिविटी फैलाना बंद करो। एक ईद खत्म हुई है, रमजान के रोजे खत्म हुए हैं, बहुत अच्छा महीना गुजर के गया है। तो बड़ा दिल करके अल्लाह को हाजिर नाजिर करके माफ करो,
भूल जाओ और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, यू नो गो बैक टू रियलिटी. दैट इज माई सजेशन, यू नो मैं इतना ही बोल सकती हूँ. कि आप क्या बोलोगे? अभी ये नीचे कमेंट आ रहे हैं, मैं वो कमेंट पढ़ रहा था, तो ये कुछ लोगों के हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं कि आप लोग जो है ना कंट्रोवर्सी जानबूझ के फैला रहे हैं। देखिए मेरी बहन, आप जो भी है ना, आपने जो कमेंट किया है, तो पहली बात तो ये कि मैं खुद तकरीबन ये बिया सिस्टर, इकरा सिस्टर, ठीक है ना, उसके बाद में शबनम सिस्टर हो गई, रहमानी सिस्टर हो गई, इन सबको पता है कि मैं कितने टाइम से प्राइवेट में जाके इन सब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज आपकी मेहरबानी, आप ये जो है ना ये चीजें अभी खत्म करें, इन सब से आप दूर हो जाएं, क्योंकि जो पर कुछ होना था दिया वो हो गया, जो मैं जो एज अ देखने वाली थी वो खत्म ऑडियंस, हो गई। नहीं जी, रईस तो असगर भाई, मैं मी प्राइवेट एज में अ ऑडियंस जाके काफी टाइम, ये मैंने नहीं कि आज घंटों से, आई तो... थिंक तकरीबन कोई 4 से 5 महीने से मैं जाके इन सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये लाइव में ये सारी चीजें, ये चीजें, ये बात, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। इवन जब ये वो थी ना कृति सिस्टर, उन जो कृति फ्रॉम जापान चैनल था, उनकी जब लाइव थी ना, तो उस लाइव में मैं गया था उनसे रिक्वेस्ट करने के, प्लीज सिस्टर आप ये, जब वो शुरू शुरू में हमारे खिलाफ हुई थी, तो उनसे मैं गया था रिक्वेस्ट करने के आप जो है ना लाइव बंद करें, आए हम लोग जो है बिया सिस्टर ने अगर आपके बारे में कुछ कहा है, कोई बात हुई है, तो हम लोग बैठ के किसी एक कोई एक ग्रुप बना ले, उस ग्रुप में हम लोग बात करते हैं और इस चीज को खत्म करते हैं। लेकिन जब मैं वहां पे गया तो उन लोगों ने मुझे गालियां, ये वो, ऐसी ऐसी गालियां बकना शुरू कर दी, पता नहीं क्या से क्या, तभी मैंने उनको ऐसा कुछ कहा। बहरहाल जो भी होना था वो हो गया। फिर मैंने बाद में इन सब से रिक्वेस्ट की कि अब ये जो है ना नेगेटिविटी हो रही है बहुत ज्यादा, यानी हर चीज जो है ना वो एक किस्म से जो हमारे साथ है वो सारे हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं, तो इस चीज को है ना अब यहीं पे खत्म कर दें, ये जो लाइवें चल रही हैं, ये जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ कीचड़ उछाल रहे हैं कि हाँ जी उसकी बात ये थी, इसकी बात ये है। देखें जब हम एक साथ में थे तो सभी जो है ना एक ग्रुप में बात करते थे, तो एक दूसरे की बातें तो पड़ी हुई है ना एक दूसरे के पास, तो अगर हम असकर वही भाई ग्रुप की बातें उठा के यहाँ पे पब्लिक में लेके आएंगे, हाँ भाई उसने उसके बारे में ये कहा था, उसने उसके बारे में ये कहा था, जब हम लोग एक दूसरे के साथ थे तो हम लोग एक थे ना, तो उस टाइम में हमने एक दूसरे से बातें की, हाँ भाई ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज इसने ये कहा है, उसने वो कहा है, तो ये तो नहीं है कि उस बात को आप लेके फिर वो 6 महीने बाद आप वो बात लेके आ जाए बाहर, बोले हाँ भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मुझे तो असकर नहीं भाई, लगता। मैं आपको इधर रोकूंगी. मुझे एक बात कहनी है. बिया अली, इकरा, फरिया, रहमानी, शबनम, जोया, तमाम व्यूअर्स जो रात रात भर लाइव्स में बैठे हो, मैं भी रात रात भर लाइव्स में बैठकर सुना है, दुआएं किए, रोए हैं. और बिया अली ने बहुत अच्छी तरह से ये पूरे क्या बोलते हैं झुंड को संभाला और सपोर्ट किया, और सलमा को जहाँ पहुंचाना था वो पहुंचाया. सो जी, मैं वेल सिस्टर इस बात का ये जवाब दूंगा कि जब ये सारा कुछ खत्म हुआ है तो उसके बाद हमने डन. लाइव वो की थी, जिसमें हमने बिया सिस्टर का, कृति राइट सिस्टर का, एग्जैक्टली अच्छा रहमानी सिस्टर, शबनम सिस्टर, अक्षा सिस्टर, इन सब का हमने शुक्रिया अदा किया था, शायद आप सबको याद होगी, यस सलमा के चैनल यस से हम सब ने एक लाइव की थी, तो उसमें हम सब ने ये, मैंने, सलमा ने, हम सब ने यही कहा था कि आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप सब ने हमारा साथ दिया, ये कुछ तकरीबन मेरे ख्याल में 2 2 घंटे की लाइव थी, तो हमने ये लाइव की थी, उसमें हमने बिया सिस्टर आई थी, सभी आए थे, फिर उसके बाद मैंने इंस्टा पे अपनी पे एक वीडियो अपलोड की थी बिया सिस्टर के लिए, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि बिया सिस्टर ने फंड लिया है, तो भाई जिससे बिया सिस्टर ने फंड लिए हैं वो आए ना, कम से कम उनके पास बैंक के पेपर कुछ होंगे ना, जो जिन्होंने बिया सिस्टर के अकाउंट में कुछ पैसे वगैरह कुछ सेंड किया है, कोई ट्रांजेक्शन का कोई लेटर कुछ कुछ तो होगा ना उनके पास, तो वो लेके आए सबूत। ऐसे ही लोग आ जाते हैं बातें बनाने के लिए, हाँ जी इसने फंड लिया, भाई किससे फंड लिए, अभी अभी से जो भी एलिगेशंस हो गए कोई भी किसी भी पैनलिस्ट पे, सलमा यासीन और असगर रईस असगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाले हैं. और अभी से ना कोई प्रूफ ना कोई भी किसी पे एलिगेशन मत डालो. फंड्स लिए, इसने ऐसा किया, तस्वीर, अरे व्हाट. बिया सिस्टर कहाँ रहती है, उसका फोन नंबर कहाँ है, कौन से कपड़े पहनते हैं, वो किसी को जानने की जरूरत ही नहीं ना. इकरा सिस्टर कैसे दिखती, किसी को जानने जी। की जरूरत ही नहीं है. बच्चे देखें जब कैसे, ये, और आप नहीं लोग ना बच्चों पे बात करो ना देखें पर्सनल पर्सनल जब ये अटैक बात हुई करो थी ना ही नहीं. मुस्लिमा वाली, जब ये मुस्लिमा वाली बात हुई थी, मुस्लिमा की वो जो पिक्चर वगैरह इन्होंने निकाली थी, ये सारा कुछ, तभी मैंने सबसे कहा था, मैंने कहा प्लीज आप ये रुक जाएं, ये जो है ना किसी की प्राइवेट जो चीजें, अगर कोई बंदा खुद को सोशल मीडिया पे नहीं लेके आना चाहता तो जबरदस्ती नहीं कि हमारे हाथ अगर उसकी कोई पिक्चर लगी है, कुछ लगा है, तो हम उसको पब्लिक करें, ठीक है, तो ये चीजें मैंने काफी उस टाइम भी रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका है उस टाइम। फिर अभी जब ये इल्जाम लग रहे हैं, ये सारी बातें मैं इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि प्लीज आप लोग जो है ना ये सब कुछ अब खत्म करें। देखें अगर कहीं पे भी 4 मर्द या 4 औरतें किसी भी जगह में, कोई भी, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ होते हैं, जब वो साथ में होते हैं ना, बैठते हैं, अपनी बातें करते हैं, गपशप करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बातें होती हैं,
तो ये तो नहीं है कि आप हर बार जब किसी का झगड़ा हो, किसी का कुछ हो, तो आप उसको बोले हाँ भाई ये तो सलमान की वजह से हो रहा है, ये तो उसकी वजह से हो रहा है। जी, आप आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। क्योंकि आप देखें ना, अभी अभी ये तकरीबन 8 महीने से या 1 साल हो गया इस इशू को, तो इसमें अभी कितने ग्रुप बने हैं, कितनी बातें हुई होंगी, ये आप भी समझ सकते हैं। तो ये तो नहीं है कि अभी लेकिन ये जो एक दिन आज की बात तक है। चल रहा है वो सलमा की जिम्मेदारी है ही नहीं, क्योंकि सलमा और आप गुड बाय बोल के चले गए थे। सलमा जी अपनी प्रेगनेंसी में बिजी थी, अपने बच्चे के साथ बिजी थी, ना आप इन्वॉल्व थे ना सलमा जी इन्वॉल्व थी। अभी जो भी हो रहा है वो ईच वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो रहा है, तो पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी जी ऑन ये योर शोल्डर नीचे है एंड गो ऑन। अनुपमा शुक्ला डोंट ब्लेम सिस्टर, आप ईच ऊपर अदर, आ जाए जी, आपका डोंट जो क्वेश्चन है ह्यूमिलेट आप ऊपर आ एनीबडी, जाए डोंट बुली जी। एनीबडी। प्लीज रिक्वेस्ट माई सिस्टर्स, आई रियली रियली प्लेस अ रिक्वेस्ट कि डोंट बुली एनीबडी, डोंट हैरस एनीबडी, डोंट ट्रोल एनीबडी। मेंटली एवरीबडी इज नॉट पॉजिटिव, यू नो पीपल टेक इट वेरी रॉन्गली। तो आप लोग दुश्मन ना नहीं बनो, ना दोस्त नहीं बन सकते तो दुश्मन भी नहीं बनो। पॉजिटिव रहो, और अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है तो प्लीज उन लोग को पॉजिटिव वे में लेके जाके प्यार मोहब्बत से सोल्यूशन निकालो। और अभी से और पहले भी सलमा और असगर नहीं थे रिस्पॉन्सिबल, तो प्लीज आज का जो कम्युनिटी लगा था दोस्ती यारी चैनल पे, इट किल्ड मी टू सी टू पुट सलमा इनटू ट्रबल। सो फर्स्ट व्यूअर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, अभी बेचारी सलमा जो मेहनत की थी अपुन ने इतनी रात रात भर, लास्ट 8 9 10 महीने से चीजें चल रही है। इट शुड बी डन, प्लीज ईच वन ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी डन। यू नेवर नो किस पे क्या बीती होगी। प्लीज ये इसने यू सेट ही सेट के चक्कर में मत रहो, किसी को कदम उठा के अभी ये बंद अस्सलाम वालेकुम करना नासिर जरूरी भाई। हो गया है। वालेकुम सलाम जी असगर भाई, क्या हाल है? ठीक है, बाकी तमाम सिस्टरों को अस्सलाम वालेकुम, और नीचे भी सलाम। तमाम बहन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नासिर भाई, 1 मिनट, ये नीचे है हेलो, अनुपमा शुक्ला, तो उनका क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ SJ और समीरा ने आपका घर बसाया था? तो सिस्टर आपने जो क्लिप है ना, जो SJ सिस्टर के चैनल पे है उनकी वीडियो में, आप वो जाके क्लिप जो है ना अच्छी तरह से सुने। उसमें सलमा कह रही है उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने सारी रात जाग जाकर मेरे लिए लाइव की, मेरा साथ दिया। सलमा ने उसमें उस वीडियो में कहीं पे भी नहीं कहा है कि SJ ने या समीरा ने इन लोगों ने मेरे सारी रात जाग जाग के मेरा साथ दिया है। उसने कहा है पता भी नहीं था मेरे साथ इतने लोग जुड़ जाएंगे, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से उठ के आए, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन सब का शुक्रिया। तो आप जाके प्लीज सिस्टर, आप जाके वो वीडियो दोबारा देखें। अभी मैंने इंस्टा पे भी वो क्लिप जो है ना उनकी वीडियो से उठा के मैंने अपनी इंस्टा पे वो क्लिप लगाया, आप जाके देखें कि उसमें सलमा ने क्या कहा है। असगर जी सलाम। अगर कोई भी हमारे घर में आए, आप आए, कोई भी आए, कोई भी किसी के घर में मेहमान जाता है, तो क्या आप उसके साथ क्या करेंगे? अगर आप समीरा सिस्टर हमारे घर में आई हैं, शगुफ्ता सिस्टर आई हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखो देखे 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 असगर भाई, मैं इस चीज में एक जरूर कहूंगा कि देखे, वो ना कि स्पेशल जो है वो सलमान से मिलने गई है ना आपसे, वो उम्रे की शहादत के लिए आई थी। अगर उनको मौका मिला है, वो गई हैं, तो इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। ये मतलब अगर कोई प्रोपोगंडा कर रहा है तो उसको करने दे। दूसरी बात अच्छा यह है कि देखे, अच्छा दूसरी बात यह है इसमें कि ना कोई देखे एक्स्ट्रा वो जी, जी, ये इनको मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि आप बिया सिस्टर से जाके पूछें या इकरा सिस्टर से। बिया सिस्टर से मैंने कितनी बार कहा कि बिया आप उम्र पे कब आ रही हैं, बिया सिस्टर आप कब आ रही हैं, तो वो कह रही हैं भाई मेरा अभी प्रोग्राम बन रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बिया सिस्टर आएंगी कि क्या मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा, या मेरे बच्चे, या हम उनको नहीं बुलाएंगे? अगर कोई भी है वो हमारे घर में आएगा तो हम उससे उससे क्यों नहीं मिलेंगे? तो ये तो एक असगर जी बच्चों की जिद सलाम। होती है ना, बच्चों वाली, जैसे वो बच्चों की एक जिद होती है ना, हाँ भाई वो उससे मिला है, उसने उससे बात हुई, ये तो कोई बात भी ना हुई। मुझे असगर नहीं जी मैं समझ आ रही कि सलमा ने एक इसमें क्या पॉइंट करके गलत कर चली दिया। जाऊंगी, जी एक जी पॉइंट मेरी सिस्टर जी, सुन बोलिए। लीजिए। आप अपने पैनल के थ्रू, ये जो लड़ाइयां हो रही हैं पैनल टू पैनल के थ्रू, आप यहाँ से एक मैसेज दें कि बिया कहीं भी गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ लोग ना जब पैनल में बैठ रहे हैं, अपने अपने लाइवे सजा रहे हैं, तो उसमें बिया को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। तो आज आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जब आपके साथ वो लोग यार खड़े थे, असगर और भाई, आज आप एक कोई बार हद सिर्फ होती यहाँ है? से ये इकरा की पिक्चरें मेरे साथ जोड़कर वो मुझे ट्रोल किया जा भाई रहा है, मैंने उसको वो किया जा देखा रहा है, है भाई। देखा है आप थोड़े वो, मैंने फिर उनसे बात भी की है जिनका नाम लिया ना, तो मुझे पता चला है कि ये जी बाल खान सिस्टर जो है ना उनका चैनल है। फिर मैंने उनसे बात की है तो वो कह रही है नहीं भाई ये मेरा चैनल नहीं है, मुझे नहीं पता कि किसका है, तो आप असगर जी, बताएं सिर्फ एक पैनल से अपना। एक बात कीजिए, मैं सिर्फ एक पॉइंट रखने जा रही हूँ कि यहाँ पे कहीं भी बिया गलत नहीं है। गलत है तो आप बोलिए कि देखो हाँ वो इस जगह में गलत है, देखो तो बस हम सिस्टर,
से ना मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा, अगर कहीं पे कोई गलत इंसान है तो वो मैं हूँ, मुझसे बढ़कर कोई भी गलत इंसान नहीं है। बाकी रही बात बिया सिस्टर की, तो उन्होंने किसी से भी कोई फंड नहीं लिया है, किसी से उन्होंने कभी भी कोई किसी चीज का मुतालबा नहीं किया कि हाँ भाई आप आए, ये मुझे फंड की जरूरत है, सलमान के नाम पे आके मुझे फंड दे, तो कभी भी नहीं है। क्या अगर किसी दूसरा से लिया है क्वेश्चन? तो हाँ भाई आप जाए प्रूफ लेके आए, खाली आके आप लोग अब बातें बातें करते हैं तो इसमें तो कोई बात ना हुई ना, ये तो खाली इल्जाम लगाने वाले बात है। क्या आपके साथ बिया ने गलत किया? नहीं नहीं बिया सिस्टर ने मेरे साथ क्या गलत किया, आप किस तरह से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पैनल उन्होंने मेरे साथ क्या इस तरह से गलत क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पैनल्स में, किया? लाइवों में सब लोग बैठ के मुंह बंद करके उनका नाम लिए बगैर बोलते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनका ऐसा है, उन्होंने ऐसा किया। तो आप यहाँ से एक क्लियर मैसेज दें कि बिया का कोई भी स्वार्थ नहीं था, बिया ने कोई गलत नहीं किया है, आज वो नहीं बैकस्टेप नहीं है। नहीं आप नहीं, बिया सिस्टर ने कुछ भी नहीं ऐसा गलत कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। मैं यहाँ कहूँ कि बिया सिस्टर ने कुछ गलत किया है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा साथ दिया है, जिस तरह से हमारे उस टाइम में हालात थे उन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया है, ठीक है। तो उनकी वजह से पता नहीं काफी कुछ था मेरी लाइफ में जो चल रहा था, उनकी वजह से वो सारा कुछ खत्म हुआ है। तो मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि बिया सिस्टर ने हमारा साथ नहीं दिया है या उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो जिस टाइम हमने मैंने सलमान ने हम साहब ने लाइव की थी ना, कि आप साहब का थैंक यू, आप साहब ने हमारा साथ दिया, अब आप अपने घर में खुश रहे, हम लोग अब अपने घर में खुश हैं। तो नहीं, ये क्योंकि उनको नासिर इतना भाई आपको ट्रॉल भी किया याद जा रहा है, होंगे लाइव इतना ट्रॉल किया जा रहा है भैया को, इतना ट्रॉल किया जा रहा है कि अब मतलब ऐसे लोगों के दिमाग में के। शक नहीं बैठा दिया गया है। ओ, अच्छा, जब ये बिया एक सिस्टर मिनट की एक वो मिनट पिक्चर मैंने देखी थी ना सिस्टर फेसबुक जी, एक पे, मिनट एक जी मिनट। सब ने हाँ जी माशाल्लाह, सब ने बहुत साथ दिया है, सब ने बहुत साथ दिया, जो कि अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी एक असगर भाई को कॉल की थी, बिल्कुल उससे बड़ी लोगों को तकलीफ हुई थी, और मैंने शायद असगर भाई को बहुत गलत मशवरे दे दिए थे, ऐसे ना असगर भाई? हेलो, असगर भाई की आवाज चली गई। असगर भाई अपना माइक ऑन करें। और दे खत्म करें वो बात, आप कोई भी बात करेंगे ना तो वो बढ़ चढ़ के बातें फिर आप इनिशिएटिव जरूर लूंगा इंशाल्लाह। जी, और बाल खान, बाल खान मेरा आपके साथ का कोई दुश्मनी, कोई इस तरह की कोई चीजें हुई हैं? आपने तो वो मुसलमान वाला काम शुरू कर लिया कि आपको सारी चीजों का वो जो है इजाजत असगर भाई ने शायद मुसलमान को दे दी थी और मैंने इजाजत तुम्हें दे दी है। तो ये तुमने कब से करना शुरू कर दिया, अपने पैनल के ऊपर बैठकर मेरे हवाले से ना वाहियात, वल्गर लैंग्वेज और नाजेबा किस्म की जो बातें हो रही हैं, ये परमिशन तुम्हें किसने दी? किसने इजाजत दी कि आप मेरी जो है वो पिक्चर को उठाकर किसी के साथ जो है वो मंसूब करो और इस तरह की वल्गर, छोटी और प्रोपोगंडे वाली जो वीडियो जो है वो अपलोड करना शुरू कर दो? तो मैं तो इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। और ये तुमने एक मर्द को हार डाला, वो भी जो पाकिस्तान बैठा है, कि कराची दूर नहीं है। बेटा मैं तो 2000 केस में कराची 36 दफा गया हूँ और बहुत सारे पैनलिस्ट हैं और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत सारे मुझे जज लॉयर वकील जानते हैं, लाहौर में भी। और अब खालिद भाई आए थे अलीना के, वो जो थे मियाँ जी, वो इस्लामाबाद में, माशाल्लाह। देखिए जब इंसान सच्चा होता है ना उसके रास्ते निकल आते हैं। वो तो कहता है प्रूफ लेकर आओ, लेकर आओ भाई, मेरी कोई एक भी कोई आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग हो, कोई एक भी कोई इस तरह का जो आप बातें मंसूब कर रहे हो किसी के साथ, तो ये आपको किसने परमिशन दी? आप मेरा घर बर्बाद करना चाहते हो? एक साल के बाद के बंदा साल हो गया चुप हो गया तो उसको जो उसको दबाओ, आप हयात किस चीज का बदला लेना चाहती हो मुझसे? मैंने क्या आपका बिगाड़ा, आपके साथ क्या फ्रॉड किया, आपके साथ क्या दो नंबरी किया है? मैंने कब आपको जाकर कहीं पर ट्रोल किया है? मैंने कब आपकी रील्स लगाई है और कब मेरे कहने के ऊपर आपके साथ कुछ हुआ है? आपने जो बदला लेना है जिनसे लेना है जाकर लें, बात करें उनके सामने जाकर। आपको मैं बंदा लबा था, मुझे भाई भाई कहते हैं या तो भाइयों के तुम कपड़े उतार रही हो भाई, मेरे बड़े डायरेक्ट तीन चार बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है। और मुझे नहीं पता, सब आते हैं जी। अपने चैनल्स की बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फलाने की मेहनत ये वो। जनरल पब्लिक आप लोगों की वजह से ट्रोल हुई है, मैं आप लोगों को जिम्मेदार ठहराती हूँ। आपके घर का गंद वाइटी हमारी जिंदगियां, मासूम लोगों की जिंदगियां खा गया, ठीक है? आप लोगों की अब नहीं दोस्तियां बैक स्टेज हो रही हैं, आई डोंट केयर आप लोगों के जो मसाइल हैं, देखें पैसा कमाना मकसद था या जो भी, पहले मेरी बात खत्म बात करने दें नहीं, मुझे। असगर भाई एक मिनट, बात नहीं तो पहले मैं सुनना नहीं, बोलूंगी, बाद पर में मैं आपकी, एक नहीं, मिनट एक मैं मिनट पहले मैं अपनी बात बात करूं, रखूंगी फिर मैं सुनूंगी। मेरी नहीं बहन पहले पहले मेरी आज बात आप तो मेरी सुनना। सुने, नहीं, आप नहीं तो मैं मेरे आपकी काबू नहीं आ रहे, सुनूंगा, मैंने आपकी नहीं बात मैं बाद में बात सुननी है, सुनूंगा, पहले ये मैंने अपनी रखनी है। नहीं, क्या बात दिस इज कर रही नॉट है, हैपनिंग। या हाँ बात फरीहा, कर रहे इकरा, सबके नाम लिए जा रहे हैं, सबको कहा जा रहा है, जो नीचे लोग आके लिखते हैं जिनकी जी, नींदें आप आप लोगों की वजह से बर्बाद बात हुई, वो लोग किस खाते में है? मैं हेटर सपोर्टर नहीं कह रही हूँ, उधर सलमा इधर सितारा, दोनों की वजह से, हर जगह से आप लोगों की वजह से लोगों ने सफर किया है। कितना ड्रामा आप लोगों ने वाईटी पे करना है मुझे ये बता दें, कब ये खानदान बंद होगा मुझे ये बता दें। मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ, ना मैं अब आपके साथ हूँ ना मैं सितारा के साथ हूँ, मगर दिस हैज टू एंड। आप लोग अपना बात बोरियां बिस्तर लें, अपना गंद कहीं और झाड़ें।
ठीक है, असल बात यह है कि आप लोगों की वजह से मासूम लोग ट्रोल हो रहे हैं और मुझे यह बर्दाश्त नहीं है। लोगों की माएं बहनें बेटियां कोई नहीं है, सितारा और सलमा पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की माएं बहनें बेटियां हैं। आप लोग अजीब लोग हैं, आप लोगों को अपनी जिंदगी साफ करनी थी, आप लोगों ने अच्छे घरों की लड़कियों को पागल बनाया हुआ है। क्या ये वाईटी पे तमाशा कमा लिया है बहुत आप सबने, बस करें अब, कमा चुके आप लोग सारे, सबके बच्चे हो गए, सब ठीक है, सब पूछ रहे हैं, प्यार पुचकार रहे हैं। मैं भी आपसे बात, मैं आपको जवाब दे दूं। पहली बात आपने जो कहा है ना कि आप हमारे बैक स्टेज में किसी से दोस्तियां हो रही है, तो हमारे किससे दोस्तियां हो रही है, आप मुझे इस बात का जवाब दें। समीरा से क्या मुझे पता, ये सब कंट्रोवर्सी है। नहीं, समीरा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं समीरा को इस खानदान में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, मैं खानदान में इन्वॉल्व नहीं करती, मैं आप लोगों के खानदान की बात कर रही हूँ, मैं आपके खानदान की बात कर रही हूँ। आप लोगों का नैरेटिव बार बार बदलता है, मुझे पता है ना बैक स्टेज क्या चल रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है असगर भाई, ये वाईटी जो है ना अब एक ओपन बुक की तरह बन चुकी हुई है, ठीक है। मुझे किसी के लिए इंसाफ नहीं चाहिए, ना सलमा के लिए ना सितारा के लिए। आप लोगों की अपनी लड़ाई थी, दो दो थप्पड़ अपनी बीवियों को मारते, अपने घर में सीधा कर लेते, ठीक है। उधर सितारा का खामन उसको मारता, इधर आप अपनी बीवी को मारते, बालों से पकड़ के बिठाए ना। अब मुझे नहीं पता गाँव का कल्चर क्या होता है, मैं शहर में पली बड़ी हूँ, मगर मुझे पता गाँव का कल्चर क्या होता है, ठीक है। दिस इज नॉट इट। अगर आप लोगों ने ये सब गंद मचाया है, अब आप लोग मुझे ठीक करके दिखाएं, ये सही करके तो दिखाएं, मुझे ये सब सही चाहिए। आप लोगों के साथ सपोर्ट करने पे जो जो लोग ट्रोल हुए उनमें से एक ऊपर बैठी हुई है, उसका चैनल है, अब तक उसको इंसाफ नहीं मिला, आप लोगों को मिल गए इंसाफ। एक बात सुन ले, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुने। जब ये सारा कुछ खत्म हुआ दिसंबर में, मैं आया हूँ दिसंबर में, मैंने और सलमा ने हमने आके लाइव किया, लाइव में आके हमने बिया सिस्टर, इकरा सिस्टर सबका थैंक यू अदा किया, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा है कि ठीक है जी, अब आज अब से हमारा जो है ना ये इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद में सलमा कुछ लेके आई है, मैं कुछ लेके आया हूँ? नहीं, मेरी बात सुने, आप लोगों ने शोशा छोड़ दिया ना, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं कि लेके आ रहे अपने चैनल के लिए, कौन रोकेगा, तो कौन रोकेगा, आज उसने वो कर दिया, मुझे ये बताएं ना, तो कौन रोकेगा। आप मेरी सिस्टर पहले, आप मेरी बात सुन ले, मेरी बहन मेरी बात सुन ले पहले आप, ठीक है ना। जब मैंने सलमा ने हम दोनों ने एक लाइव की, लाइव में हमने सब अपने सपोर्टर को बुलाया, सबका हमने थैंक यू अदा किया, उसके बाद हमने कहा है कि अब से हमारा इसको हम इस कंट्रोवर्सी से निकल रहे हैं, आप भी प्लीज हमारा साथ दें। ये बात ऐसे हुई थी, नहीं हुई थी? अभी आप मुझे जवाब दे, आप मुझे जवाब दे, हमारी देखी थी आपने ये लाइव? On the face of it, उस साइड से कोई बात सुने मेरी बहन, आपने ये देखी थी ना? देखी थी। बाद में आप से पूछे, इकरा सिस्टर से पूछे, बिया सिस्टर से पूछे, रहमानी सिस्टर से पूछे, शबनम सिस्टर से पूछे, सबसे जाके पूछे कि कितनी बार मैंने जाके रोका इनको कि ये लाइव में बंद करें, ये सारा कुछ बंद करें, ये सारा कुछ जो है ना किसी और तरफ चला जाएगा। जब मेरी बेटी हो रही थी, जब सलमा ऑपरेशन थिएटर में थी, उस टाइम ये लाइव चल रही थी, उस टाइम में लाइव में आके मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये लाइव में बंद कर दे, प्लीज लाइव में बंद कर दे। आपने वो लाइव देखी थी? कैसे पॉसिबल है? आपने वो लाइव देखी थी? यूनिवर्सल फैक्ट है कि मैं, आप पहले मुझे ये जवाब दे, वाईटी एक, नहीं, मेरी बहन आप देना, वर्ल्ड वाइड फोरम है, आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? जब आपने गंद खोल दिया है तो कैसे आप कह सकते हैं कि एक हम आके बोलेंगे? नहीं, एक सेकंड असगर भाई, आप ये सारी लाइव बंद कर दें, सारी लाइवें बंद कर देंगे। अच्छा, उस टाइम लोग मुझे पता है क्या क्या कह रहे थे, लोग आके कह रहे थे कि देखिए इसकी बीवी जो ऑपरेशन थिएटर में और ये बंदा यहाँ पे आके लाइव में से जाके बैठा हुआ है। और भाई मुझे पता था कि ये चीजें नेगेटिव होने जा रही है, ये चीजें किसी और तरफ जा रही है, ठीक है। किसी ने मेरी बात सुनी थी? उसके बाद में मैं रमजान में आया हूँ, रमजान में आके मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है, देखे कृति सिस्टर थी वो क्या कहते हैं इसको मुस्लिमा थी, मैंने साहब से माफी भी मांगी, मैंने कहा उनके साथ जो हुआ उनसे मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद प्लीज आप लोग हमारा नाम ना ले, ये लाइवें सारी बंद कर दे। उसमें बिया सिस्टर भी थी, इकरा सिस्टर भी थी, आपको पता है ना, उसमें आप भी आई थी। अभी मैं हर महीने बाद में आ जाऊँ, हाँ जी आज उसके ऊपर ये बात हो रही है, असगर तुम आओ आके जवाब दो, सलमा तुम आओ आके जवाब दो। अगर सलमा ने तो कह रही हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैंने सुन ली आपकी बात, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, वाईटी सिर्फ पाकिस्तान तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, उस टाइम में लाइव में आके मैंने सबको मना किया कि मैं अपनी सारी बहनों को थैंक यू अदा करता हूं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये लाइव में बंद कर दें, तो तब मेरी किसी ने नहीं मानी। नहीं नहीं, क्यों सुनेंगे, जब रायता फैला दिया उस वक्त, जिस वक्त आप लोगों को हेल्प चाहिए थी उस वक्त आके ये बात हो गई, जब हो गई इसके बाद आपको कैसे लगता है कि जब आप लोगों के मसाइल सॉर्ट हो गए हैं तो आप कहेंगे कि हाँ जी चुप कर जाओ, तो लोग चुप कर जाएंगे?
एम सिस्टर मेरी बात सुने आप, मेरी एक बात सुन ले आप, मेरी ना सिर्फ आप एक बात सुन ले। Don't tell me to stop. I have these questions and I will ask these questions. ठीक है, आप लोग के लिए पहले, I don't care आपको आने पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ इस फैमिली से। Please बुला रहे हैं मेरी अलीना बैठी हुई है। अलीना is from a good family. अलीना is from a good family. और ऑपोजिट साइड पे भी बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी बहन मैं सिर्फ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सलमा और सितारा के साथ क्या हो रहा है। मुझे जवाब ये चाहिए कि आप ये बताएं, आपने आके कहा ये हो गया, लोगों ने हेल्प की, अब आप कहेंगे कि जी चुप हो जाओ, तो आप लोग क्या प्राइम मिनिस्टर लगे हुए कि सब चुप हो जाएंगे? तो फिर अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो फिर उसके आके मैं क्यों जवाब दूं? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं आप लोग आके कहेंगे चुप हो जाओ तो चुप हो जाएंगे? आपको तो किसी ने नहीं कहा जवाब दें, आप लोग तो वैसे ही मजे से चुप करके बैठे हुए। फिर आप क्यों कह रही है कि आप जवाब दें, आप जवाब दें? जब मैंने रिस्पॉन्सिबल, मैंने तो आप बात कर रहे हैं, मैंने तो आपको ये कहा है, ये साथ अलीना बैठी हुई है, आप इस पे ट्रोल किया जा रहा है। अलीना के अलावा सितारा साइड पे इतनी लड़कियां हैं जिनको जलील किया गया, कौन आया बचाने? सितारा आई, सलमा आई, आप आते हैं, आपका तो रोला ही नहीं था। मैंने किसी को भी नहीं कहा था, मैंने किसी को भी नहीं कहा था कि मुझे किसी की जरूरत है, आप आए आके मेरा साथ दे। मैं आप जाके साबित करें मैंने किसी को बुलाया था, मुस्लिमा हो गई, कोई भी एक बंदा साबित करके असगर मेरे पास आया था, भाई मैं लाइव कर रहा हूँ, आप आओ मेरा साथ दो, मुझे आपकी जरूरत है। मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया। जो चैनल वाला आया अपने चैनल को चमकाने के चक्कर में आया, ठीक है, जिनके चैनल थे वो चैनल वाले अगर साथ में आया तो उन्होंने कहा भाई बहती गंगा में हम लोग भी हाथ धो ले, हमारे भी चैनल व्यूज थोड़े से बढ़ जाए, बस ये चक्कर था और कुछ भी नहीं था। भाई एक क्वेश्चन है कि सिर्फ सलमा ने मना क्यों किया? मैंने उस टाइम में वो लाइवें देखी हैं, जो लोग खाना भी वहीं पे खाते थे, ठीक है ना, जो लोग बाथरूम में भी जाते थे तो लाइव ऑन थी उनकी। क्या वो हमारा साथ देने आए थे या डॉलर कमाने आए थे? नहीं भाई, वो तो डॉलर कमा रहे थे, लेकिन जो हम नीचे थे ना, तो फिर ये सिस्टर कैसे मेरे ऊपर चीख रही है जब इनको पता भी नहीं है कि 6 महीने से मैं सबको जाके प्राइवेट में जाके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बहन बात कर दे, ये लाइनें खत्म करें, ये सारा कुछ खत्म करें। क्यों कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है? अब जब कुछ हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो असगर आके जवाब दे। क्यों भाई हम लोग जवाब दे? बात सुनिए, ये एम सिस्टर इसलिए इतना बोल रही है क्योंकि हम जो है नॉर्मल घरों की लड़कियां, हम वेल एजुकेटेड घरों की, हम अच्छे घरों की, शरीफ घरों की लड़कियां, हमारी जिस तरह बेहुर्मती ये लोग कर रहे हैं ना, आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपकी बेटियों और आपकी बीवी के लिए कुछ भी नहीं हुआ जो हमारे साथ अब ये होने जा रहे हैं। और असगर भाई, अगर ये हुआ ना, मैं आपको सच कह रही हूँ, ये पटारा और ये सारा खानदान जिंदा नहीं रहेगा। मैं यहाँ ये धमकी ना समझिएगा, पाकिस्तान में होगा ना ये पटारा तो गई, इस औरत को करूंगी ना मैं असगर भाई, ये मैं धमकी नहीं दे रही, मैं करके दिखाऊंगी। मैं आपको ये बताऊं, मैंने उस टाइम में सबसे आके रिक्वेस्ट की थी कि देखे जो कुछ हो रहा है, सॉरी मैं गाली दे रही हूं, आके हमारी न्यूड वीडियोस बनाएंगे? नहीं छोड़े, कैसे बनाई जा रही है मेरी और मेरी बहन की? नहीं छोड़े आप, ये मुझे इन चीजों का तो पता भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। मैंने जाके ना आज बाल खान सिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि मेरी बहन अगर कुछ है नहीं है तो ये सारा कुछ आप खत्म करें। आप बताएं इसके अलावा मैं किसी पैदे के नहीं, उससे आप क्या बात करते हैं? वो तो यहाँ बैठ के रमजान में बैठ के माँ बहन की गालियां देके गई है, उससे आप क्या बात करते हैं? यहाँ पे पिटारा के बारे में बात करो तो ये आ जाते हम लोगों की न्यूड वीडियोस बनाने। भाई अगर ये काम हो गया ना, आप सोच लीजिए इससे ये जो यासीन फैमिली का होगा क्या, इस फैमिली का लिंक दीजिए, सोच लीजिए। और ये वाइटी देखती हूँ ये यासीन फैमिली कमाएगी कैसे आप वाइटी से? भाई ये बहुत गुस्से हैं सबके, ये आए हमारे बच्चों को नंगा करने आए, बेशरम लोग। अलीना एक सेकंड मेरी बात सुनो, नहीं अलीना एक सेकंड मेरी बात सुनो, इतने टाइम से मैं ये सब डिस्कशन होती है, सिर्फ तीन लोगों की डिस्कशन होती है, आपका टाइम वेस्ट हुआ है। अलीना ओपन योर आईज, अपने आप को ये समझाओ, ठीक है? और जहां तक रह गई बात, आप कह रही हो कि जी कोई और रिस्पॉन्सिबल है, श्रेया पूछ रही है असगर और सलमा क्या कर सकते हैं, असगर और सलमा तो कुछ नहीं कर सकते, जिस तरह उधर सितारा और साजिद कुछ नहीं कर सकते, लोगों को लड़वा सकते हैं आपस में। उस साइड की औरतों की भी ट्रोलिंग हुई है अच्छे घरों की, वहां पे भी औरतें बैठी हुई है जो जलील हुई है, यहाँ पे भी बैठी हुई है, ठीक है? मेरा कोई चैनल नहीं है, वाईटी का एक रुपया भी मेरे पे हराम है, मगर हम लोगों के व्यूज की वजह से आप लोग आज इस तरह चढ़े हुए हैं जैसे कोई बादशाह सलामत होता है। दैट इज नॉट हैपनिंग। आप तीन नाम आके लेते हैं, हम लोग जनरल पब्लिक हैं, हम लोगों ने भी सफर किया आप लोगों की वजह से, जवाब किसे मांगेंगे आप मुझे ये बताएं? आप कहते हैं हम क्या करें, हमने तो चुप करने को कह दिया, रायता नहीं लगाना था तो ना कोई चुप करता, एक दूसरे के बाल खींच लेते, लड़ लेते, मर लेते। असगर भाई नीचे लिंक दें, लोग मांग रहे हैं, प्लीज आप सबको सवाल करने दें, उनका हक बनता है, प्लीज लिंक दे दें आप नीचे। हाँ मैं नीचे जाती हूँ, आप लोग ऊपर।
बस असर भाई मेरा रखे ना छोटा सा क्वेश्चन फलाना है। मना कर देगा, फलाना मना कर देगा, नहीं बोलना नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना? कौन पे कर रहा है मुझे? कोई पे करता है मुझे? मेरा कोई चैनल है? कोई पे नहीं करता मुझे। जो सितारा की साइड की लड़कियां हैं उनकी भी ट्रोलिंग हुई है, वो भी गलत हुआ है। जो इस साइड की लड़कियां हैं, मैं अब उन लोगों के साथ हूँ जिनके साथ ज्यादती हुई है। आई डोंट गिव अ डैम कि ये यासीन फैमिली क्या करती है। इस यासीन फैमिली ने जलील कर दिया लोगों को, खुद बैठ के आके ऑर्डर देते हैं। अब हम बोले हम या ना बोले, हम ये करें हम वो ना करें, आप चूचे हैं सारे, आप बच्चे हैं। नहीं, वो जो मेन इसकी थी, जो मेन सारी करने धरने वाली है, जो पटारा है, खुद तो वहां पे माफी मांग के बैठ गई और अपने सपोर्टर्स को छोड़ गई हमें जलील करने के लिए। क्यों, किस वजह से? आप लोगों को यकीन नहीं आता इस बात का, सबने मिलके खाया है, खाएं हजम नहीं होगा इंशाल्लाह, हराम का पैसा है ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम असगर भाई। हेलो, एके बात करो ना असगर भाई, आपकी फैमिली की वजह से ना वाईटी के सपोर्टर आपके भी और उस आपकी फेवरेट के भी बड़े जरील और नंगे हो गए हैं। मुझे यहाँ कुछ नहीं कहना, देखें सबको पता है अंदर ही अंदर आप लोगों के कांटेक्ट हैं, फ्रंट पे आप लोग कुछ नहीं दिखाते हैं, ठीक है। बेहतर है आप उस साइड वालों को भी बोले कि अपने सपोर्टरों को लगाम दें, नंगी वीडियो डालेंगे या कुछ करेंगे मेरी बहन, तो बात हमारे पास भी बहुत वीडियो आएंगी। हाँ सिस्टर, आप मेरी बात सुने, एक मिनट आप मेरी बात सुने, अगर किसी ने आपसे कहा है ना कि हमारा किसी से कोई रिश्ता है, ठीक है, हमारा किसी से कोई रिश्ता है, तो जिसने भी कहा है ना वो बहुत कोई झूठा इंसान है। हमारा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है ना, मेरी बात, मैं आपको इतना बता दूं, मैं आपको इतना बता दूं, बात सुनो मेरी बहन बात सुनिए पहले, मैं आपको इतना बता दूं कि ईद पे सलमा की अम्मी से भी हमारी कोई बात नहीं हुई, ना ही हमने उनको ईदी का कुछ कहा है, ना उन्होंने हमें कुछ कहा है, तो हमारा दूसरे तक खत्म। देखिए असगर भाई, मैं सिर्फ अब इतनी बात जानती हूँ कि आप लोग चाहें तो बहुत कुछ करवा सकते हैं, और ये मैं लाइव पैनल पे बोल रही हूँ। अगर ये सब खत्म नहीं होगा, चाहे आपकी वाइफ का चैनल हो या उस जानी पिटारा का चैनल हो, मुझे किसी को पैसे देकर उड़वाने पड़े, अब मैं उड़वाऊंगी, क्योंकि आप लोग लगाम नहीं डाल रहे, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। दिस इज टू मच, हम नहीं एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुछ बोलना है, मुझे मुझे कुछ पूछना है असगर भाई से। असगर भाई, आज लाइव का आप लाइव क्यों आए हैं? किसी के लिए जवाब देने आए? हमने तो सलमा से कोई सवाल नहीं किया। चल रही है कि बिया सिस्टर ने फंड खाए हैं, बिया सिस्टर ने ये कर दिया है, बिया सिस्टर ने वो कर दिया है, तो मैं तो इसलिए आया हूँ कि बिया सिस्टर ने किसे फंड खाए हैं भाई, वो आपका जवाब देना नहीं बनता ना, वो आपका तो नहीं ना बनता, वो तो बिया की बात है, बिया को आगे बोलनी चाहिए। बिया सिस्टर ने तो किससे गया मुझे बताए ना जरा, वो बंदे सामने है, वो प्रूफ ले आए ना, अभी हमें कोई प्रूफ नहीं मिले किसी के। सबको म्यूट तो दीजिएगा, मैं इन सबको आपकी सारी बातों का मैं जवाब दे देती हूँ। सर आप एक एक करके बात करें, आप कैसे जवाब देंगी? आपने दिए थे फंड, आप म्यूट तो गए। नहीं, मैं कर देती हूँ, मुझे मुझे भी पूछना है कि जिसने फंड दिए है प्लीज आके बोले वो भी, अगर फंड दिए तो हाँ वो बोले आके ना, क्योंकि हमें ये जानना है कि अगर फंड दिए गए तो क्यों दिए गए। जब भी आप लोगों को टेंशन है, आप लोग किसी को किसी की जिंदगी क्यों नहीं जीने देते हैं? किसकी जिंदगी? तो हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, आप लोग उनकी फैमिली को खराब करें, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? किसकी फैमिली को खराब कर रहे हैं हम? किसकी फैमिली को खराब करें हम? आप लोग खानदानी औरतें नहीं है? आप तमीज से बात करेंगी तो खानदानी औरतें बताऊंगी, तमीज से बात कीजिएगा वरना बहुत बैश करूंगी मैं यहीं पे। एक मिनट सिस्टर, आप सारे एक मिनट, चुप करें आप, बात सुने आप मेरी। अलीना खान सिस्टर, क्यों सिस्टर, सारी एक मिनट मेरी बात सुने आप। पहली बात तो मैंने ये जो नहीं नहीं बहन, कोई भी ना निकले, एक बात करें आपको सुनेंगे। एक मिनट बहन, एक मिनट सारे आप चुप हो जाए, मैं बात कर रहा हूँ, आप सारे चुप हो जाए, ठीक है। सिर्फ आप मुझे ये बता दें कि मैंने किसी से भी नहीं रिक्वेस्ट की थी कि आप आए मेरा साथ दें, मेरी जिंदगी में ये टेंशनें चल रही हैं, आप आए प्लीज, आप आके मेरी हेल्प करें, ठीक है। मैंने किसी को भी नहीं कहा था, ये नासिर भाई हैं, कोई भी है चैनल वाला, मैंने किसी से नहीं कहा था। हाँ सब ने अपनी बारी बारी मुझसे रब्ता किया है, मैंने मना किया है, फिर बातें हुई, ऐसा ऐसा चले, जो होना था वो हो गया। उसके बाद में एक मैटर था, आया था, वो मैटर खत्म हो गया, वो क्लोज हो गया, तो मैंने आके रिक्वेस्ट की, मेरी वाइफ ने आके रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप ये सब कुछ खत्म करें, अब हर कोई अपने अपने घर में खुश रहे। तो जब मैंने मना किया है फिर भी कोई नहीं हुआ है, तो उसके बाद में एक महीने दो महीने बाद फिर मैंने देखी ये लाइवें चल रही है, फिर मैंने आके सबको मना किया है, प्राइवेट में भी मना किया है, सबकी लाइवों में जा जाके मैंने मना किया है कि प्लीज मेरी बहनें आप ये लाइवें बंद कर दें, ये ना हो कि बाद में हम एक दूसरे के ऊपर जो ना वो इल्जाम लगाना शुरू कर दें।
फिर मैंने देखा वही सारा कुछ हो रहा है। फिर जब मेरी बच्ची पैदा हो रही थी उस टाइम मैंने लाइव देखी चल रही है, फिर उस लाइव में मैं गया हूँ, बिया सिस्टर की मेरे ख्याल में लाइव थी, मैंने कहा प्लीज बिया सिस्टर ये लाइव में बंद कर दें, क्योंकि मुझे लोग मैसेज करते थे कि भाई देखें बिया सिस्टर ये बोल दिया, बिया सिस्टर ने वो बोल दिया, तो मैंने बिया सिस्टर से रिक्वेस्ट की कि आप भी प्लीज आप ये लाइव में बंद करें ताकि ये जो बातें निकल रही है ना ये यहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद में बिया सिस्टर इसने निकाली, मुस्लिमा ने निकाली बिया सिस्टर की पिक्चर वगैरह उनके फादर की निकाली, तो उस टाइम मैंने बिया सिस्टर से प्राइवेट में बात की, मैंने कहा बिया सिस्टर आप प्लीज ये सारा कुछ बंद करें, जिसने भी किया है मुस्लिमा ने किया है, जिसने भी किया उसने अच्छा नहीं किया, ठीक है। आप यकीन जाने मुझे बेहद अफसोस हुआ जिस टाइम बिया सिस्टर की जो पिक्चर वगैरह थी ना वो पब्लिक हुई थी, तो मैंने उस टाइम इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा बिया सिस्टर आप ये सारा कुछ खत्म कर दें, ये लाइव वगैरह चैनल वगैरह, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं चैनल छोड़ के जा रही हूँ, मैं अपना ये चैनल इसको नासिर भाई को दे रही हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने कहा आप चैनल बेशक बंद ना करें, ये अपना ब्लॉग वगैरह बनाए, लेकिन ये लाइव में बंद कर दें। तो मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा था, अब ये इल्जाम हो रहे हैं उसने फंड खाया, इसने फंड खाया, भाई जिसने फंड खाया ना वो बंदा है आगे बताया कि हाँ बिया सिस्टर को उसने ये फंड दिया है, ये इल्जाम है जो लग रहे हैं, ठीक है। जब ये लाइव में बंद नहीं होगी, लोगों के पास कोई भी मिसाला नहीं होगा, तो वो लगाएंगे आके कुछ ना कुछ तो मिसालें ढूंढेंगे ना वो। तो मेरी इन सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर जैसे कह रहे हैं ना कि ये मेरी एक बहन आई थी वो एम वाली, तो वो कह रही थी भाई हमारा जो है ना आप लोगों की वजह से जीना हराम हो गया है। मेरी बहन देखें, अगर जैसे बिया सिस्टर है ना, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिया सिस्टर ने जो मेरा साथ दिया है, जो मेरी सपोर्ट की है वो मुझे पता है, बाकी भी जो बहनें थी जैसे शबनम सिस्टर हुई, रहमानी हुई, कृति हुई, ठीक है, अक्सा सिस्टर हुई, इन सब ने हमारा साथ दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, सब ने हमारा साथ दिया, लेकिन इन सब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप ये सारा कुछ खत्म करें, खत्म करें। मेरी बात क्यों कोई नहीं समझ रहा? फिर जो ये छोटे छोटे चैनल बने हैं, मेरी बहन जो छोटे छोटे चैनल बने हैं, इनको कोई ना कोई तो मसाला चाहिए होगा ना, ये किसी ना किसी की तो इज्जत खराब करेंगे ना। ये बात अभी आप सोचे ना, पहले अगर 10 चैनल थे तो अभी इस टाइम में 100 चैनल हो गया, तो 100 चैनल है, इनको कोई ना कोई कंटेंट तो चाहिए डेली। ये मोबाइल आपको आप इधर से जाओ भाई, प्रॉब्लम असल में ये है कि अगर हम सितारा पे बात करते हैं ना तो ये हमारी फैमिलीज को लेके आ जाते हैं। मेरी बहन देखे, ये मैं आपको एक बात बताऊं, जिसने भी किया है, जिसने भी जो पिक्चर वगैरह मेरे पास आई है, जिसने भी किया है ना, यकीन करें उसने जो है ना निहायत ही घटिया काम किया है। जिसने भी ये पिक्चर वगैरह जो एडिट किया है ना, ये बहुत ही घटिया काम किया उसने, अल्लाह उसको हिदायत दे, ठीक है ना, अल्लाह उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी की माँ की, बहन की, बीवी की, बेटी की उठा के ऐसे पिक्चर जो एडिट करें, किसी के साथ भी लगा दें, ये कोई बात ना हुई। अगर आप में इतनी हिम्मत है ना, तो आप आए लाइव, आए लाइव में आके बैठे, आप बोले हाँ मैंने ये किया है। एक तो आप लोग पिक्चर एडिट करते हैं, दूसरा आप फिर वो कोई ऐसा चैनल बना देते हैं कि जो किसी ने नहीं देखा हो, नया चैनल, फेक चैनल, तो आप ऐसे तो ना करें ना। फिर अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में इतना ही टैलेंट है, आप में इतनी हिम्मत है, आप इतने ही ब्रेव हो, तो आप आओ सामने आके बैठो, बोलो हाँ भाई ये मैं हूँ, मैं लाइव बैठा हूँ, ये पिक्चर मैंने एडिट किया है। ये बीच में मेरी बहन, शैतान लोगों का काम होता है जो एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ भाई, इन्होंने पता क्या किया है, मेरी जो बहन है ना वो वाईटी में बिल्कुल भी नहीं थी, उसको इवन सितारा सलमा किसी चीज का ना पता है, ना उसे इंटरेस्ट है, वो अनमेरिड लड़की है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, उसके टिकटॉक पे गए हैं, और जो कि वो उसका अकाउंट अब बंद हो चुका है, उसके टिकटॉक से जाके उसकी तस्वीरें उठाई है, वो जीन्स वगैरह पहनती है, इनको क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने वहां से उठा के वाईटी पे उसके इस वक्त 3 चैनल चल रहे हैं, 3 चैनल पे उसकी तस्वीरें कितने गंदे तरीके से लगाई हैं, आप ये सोच भी नहीं सकते भाई। कुछ भी पहनती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, वो कुछ भी पहने, ठीक है ना, वो उनका एक अपना नहीं, इसमें असगर भाई का तो कोई कसूर नहीं है। उनकी आप वीडियो उठा के कहीं से उठा के ये आप एडिट करके बना दे, और नीचे ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, मैं जो भी कमेंट कर रहे हैं, बैड कमेंट करेगा, बाल खान के खिलाफ करेगा, बिया सिस्टर के खिलाफ करेगा, मैंने सीधा उसको ब्लॉक कर दिया। मुझे नहीं लगता कोई भी मुझे आके जो है ना ये लाइव में आके बैड कमेंट करे और मैं उसको लाइक करूं या कुछ करूं, देखता रहूं, भाई मैंने उसको सीधा ब्लॉक कर लिया। भाई आजम भाई कब से कह रहे हैं उनको भी ऐड करना प्लीज, मुझे जो है ना व्यूज की लालच नहीं है। आपने अगर आने हैं अच्छे कमेंट करने हैं करें, नहीं करने आपने बैड कमेंट करने हैं आप ना करें, मेरी लाइव में ना आए, आपको जरूरत ही नहीं आने की, ना ही मैं बुलाता हूँ आपको। भाई ये बालकन की भी कमेंट कर रहे हैं, देखिए वो जो है ना ट्रोल कर रही है सबको ना, जो भी नीचे अभी मैं देख रहा हूँ ना, जो भी बैड कमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं उन सबको जो है ना ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी रही बात, जो भी बातें हो रही हैं, मुझे इन सब से मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी, रमजान में की थी मैंने, उससे पहले की है, फिर मैंने उससे मैं रिक्वेस्ट कर करके था गया हूँ कि प्लीज आप ये जो छोटे छोटे चैनल बने हैं ना, इनको इनके पास कोई कॉन्टेंट नहीं है,
ना इन्होंने व्लॉगिंग करनी है, ना इन्होंने कुछ दिखाना है, इन्होंने सिर्फ लाइवें लगानी है, लाइवें लगा के इन्होंने सिर्फ गंद बकना है इसके ऊपर, उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो अल्लाह आपको हिदायत दे, अगर आप अपने चैनल चमकाने के लिए किसी की जिंदगी, किसी का जीना हराम कर रहे हैं ना, तो अल्लाह आपको हिदायत दे। भाई आप यकीन कीजिए, आपकी बच्चियों के लिए बात होती थी ना, और आपके हमारा दिल दुखता था, हम कहते थे क्यों करते हैं। मेरी बहन, मुझे पता है कि कितने लोगों ने हमारा साथ दिया है, कितने लोगों ने हमारा साथ दिया है, ठीक है। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि हाँ भाई उसने हमारा साथ दिया, उसने नहीं दिया, चाहे किसी ने एक मिनट के लिए भी हमारा साथ दिया, मैं उसका शुक्र गुजार हूँ। बाकी रही बात, ये बात वैसे हो रही है भाई, मैं आप मुझे बताएं मैं किस किस को जाके रोकूं। अब ये एक लाइव चल रही थी, उसमें ये बोल रहे थे, पता नहीं उसमें ये सियुक सिस्टर भी बैठी हुई थी, कोई मोमिन जर्मनी, पता नहीं कौन सी, ऐसा कोई नाम था चैनल का, तो उसमें वो चल रहा था कि ये समीरा और ये एस शगुफ्ता सिस्टर गई है ना हमारे घर में, तो सलमा ने कहा है कि हाँ समीरा का और शगुफ्ता सिस्टर का इन सब का शुक्रिया अदा किया। तो भाई उसने नहीं किया है, आप लोग जाके पूरा वो वीडियो देखें, ठीक है ना। उस वीडियो में सलमा ने कहा है कि जब ये सारा कुछ शुरू हुआ तो मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ कहाँ से लोग उठ के आए हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है, जिन्होंने सारी सारी रात लाइवें लगाई हैं, उनको ना नींद का पता था ना खाने का पता था। तो सलमा ने तो कहीं पे भी नहीं कहा है कि इसका या उसका, उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, सलमा ने सिर्फ इतना किया कि तो आप लोग एक चीज को नेगेटिव क्यों लेके जा रहे हैं। तो ये वही है, सारे जो छोटे चैनल वाले हैं ना, वही उन्होंने नए नए चैनल बनाए हैं, तो उन लोगों ने कुछ ही कुछ क्लिप कट काट करके निकालने हैं, उन्होंने निकाल के जोड़ जोड़ मरोड़ तरोड़ के उन लोगों ने ये सारा कुछ करना है। नहीं भाई एक्चुअली जो आप बाकी मॉम इन जर्मनी की बात कर रहे हैं ना, वो मैं ही थी एक्चुअली, वो नहीं, बात सुने ना सिस्टर, ये चैनल पे आपका चैनल है, पता नहीं किसका है, जिस भी चैनल पे ये बात चल रही थी ना, तो ये बात हो रही थी ना कि सलमा ने उनका शुक्रिया अदा किया। तो मेरी बहन, अगर आपके घर में कोई भी बंदा है, कोई भी गेस्ट आए, तो क्या आप उनसे किस तरह से पेश आएंगे? नहीं भाई, हमने एक्चुअली इस चीज का जवाब दिया था, जो दोस्ती यारी में आज कम्युनिटी डली ना, जो वीडियो डली है, तो उसका सब लोग पूछ रहे थे कि क्यों ये डली है, तो उसका हम जवाब दे रहे थे कि मे बी उनके ज़हन में ये है। तो बाकी देखिए मेरी बहन, जो कुछ भी चल रहा है ना, जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, ये जो कुछ भी हो रहा है, मुझे पता था कि ये सारा कुछ होगा ऐसे, क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रहा था ये जो चैनल वाले होते हैं, आज इसके साथ हैं, आज उसके साथ हैं, फिर मैंने वो बदलते हुए देखे हैं। तो मैं कितने टाइम से जाके मैं बिया सिस्टर से, इन सब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज आप लोग जो है ना, ये सारा कुछ खत्म करें, ये जो एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं, हाँ भाई ये उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, जब तक ये लाइवें खत्म नहीं होगी तो ये कोई कैसे सुकून से रहेगा, आप मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं, ये लाइवें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, ये लाइवें खत्म होगी। हाँ वहाँ देखे जितने भी ये छोटे चैनल वाले आ रहे हैं, ठीक है, कोई शॉर्ट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, वो बनाए, मैं नहीं कहता हूँ हर बंदा चैनल बनाए उसको हक है, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि आप अपने चैनल को चमकाने की खातिर किसी दूसरे के ऊपर आप आके इल्जाम लगाए, आप बोले कि असगर ने ये किया, सलमा ने वो किया, या फिर बिया सिस्टर ने फंड लिए। भाई बिया सिस्टर ने किससे फंड लिए? वही तो हम कहते हैं, बिया ने मिलियन डॉलर्स के फंड लिए, किन लोगों से लिए, वो लोग क्यों नहीं सामने आते हैं? तो वो लोग सामने आए ना, वो लोग सामने आए, क्यों नहीं आते वो लोग? हैरान है, वही तो हैरान है कि कहाँ है वो लोग, मतलब आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहाँ पे चले गए वो लोग? तो बिना वजह झूठे इल्जाम लगाने से बेहतर है आप सबूत दो। तो ये अगर किसी ने भी फंड दिया होता कुछ होता, तो वो कुछ ना कुछ निकल के सामने आता ना। तो आप सभी बच्चे नहीं, आप सभी समझे, ये सारा जो कुछ भी चल रहा है, ये सारा एक ड्रामा है, हमें लड़ाने की खातिर ये सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। तो बाकी रही बात, ये देखें ये जो बातें चल रही है ना कि हमारा सितारा साजिद या किसी से भी कोई इस टाइम कोई बात हो रही है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा इस टाइम में किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है, इससे बढ़कर मैं कोई भी सबूत नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल सही है, इससे बढ़कर मेरे मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर मुझे किसी को कोई सबूत देना चाहिए कि हमारा किसी से कोई रिश्ता है, ना ही हमारी कोई सुलह हुई है, ना ही हमारा कोई रिश्ता है, उनके किसी घर के किसी बच्चे से भी हमारी कोई बात नहीं है। तो फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं कि हाँ बैक द स्टेज इनकी बातें हो रही है, इनका ये हो रहा है, इनका वो हो रहा है, इन लोगों ने वैसे करे, इन लोगों ने ड्रामा किया, इन लोगों ने कंट्रोवर्सी किया है। भाई अगर हम लोगों ने कंट्रोवर्सी की होती ना, ठीक है, अगर हम लोगों ने, मैंने या सलमा ने मिलकर कहीं पे कंट्रोवर्सी की होती, तो उस टाइम में मैं चीख चीख के ये ना कहता कि साजिद को, साजिद तुम जाओ जाके कोर्ट में जाके केस करो मेरे ऊपर, मैं आऊंगा आके डिफेंड करूंगा। तो उस टाइम में साजिद ने अगर जो कुछ भी था, ये कोई भी बच्चा नहीं है, मैं अभी इस चीज के ऊपर बात भी नहीं करूंगा। बहरहाल मैं इतना कहूंगा कि हमारा किसी से भी इस टाइम में कोई भी रिश्ता नहीं है। जो ये बातें चल रही है कि इन लोगों की सुलह हो गई, इन लोगों का ये हो गया, इन लोगों का वो हो गया, तो आप लोग आए, आप लोग आके मुझे बताएं कि हाँ भाई आप लोगों ने उनसे ये बात किया, आपने उनसे ये बात की है, हमारी किससे बात हो रही है? नहीं देखें, जो भी कह रहे हैं ना, असगर की वीडियो देखिए, मेरी वीडियो कहीं नहीं है,
ठीक है, ये नीचे कमेंट आया कोई सिस्टर है तो मेरी जो वीडियो है मुझे दे दे। ये वीडियो वाली बातें जो है ना ये आप करना छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मेरा मोबाइल है वो आज तक मेरे हाथ जो ये बातें चल रही है ना कि असगर की वीडियो है, मेरी वीडियो कोई कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, किसी के पास जो कुछ भी है मेरा मोबाइल मेरे पास है, मेरा मोबाइल जो है वो मेरे पास ही है और मेरे पास ही रहेगा। तो मेरी कोई भी वीडियो जो भी है वो मेरे इंस्टा पे है, जो मेरी इस पे यूट्यूब पे थी वही है, इसके अलावा कोई वीडियो नहीं है मेरी कहीं पे भी। तो बोले ना अगर कोई भी चैनल है, ये चीज मैंने रमजान से पहले, रमजान शरीफ से पहले ये चीज मैंने बात की थी, अगर कोई भी चैनल है वो किसी की प्राइवेट या पर्सनल चीजें, पिक्चर वगैरह, कोई भी चैनल, इवन मैं भी हूं ना, मेरा भाई है, कोई भी है चैनल वाला, वो आके वो यहाँ पे पब्लिक में रख रहा है, वाईटी पे लगा रहा है, तो मैंने कहा था कि जितनी भी ऑडियंस है आप प्लीज हमारा साथ दे, उनको जो है ना आप क्या कहते हैं उसको, अब आप स्ट्राइक नहीं, मैं क्या कर रहा था, नहीं नहीं हैक भी नहीं, रिपोर्ट करें आप उनको, ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी पब्लिक होगी वो रिपोर्ट करेगी, तो वहां पे जाके वो जो चैनल होगा वो जो चीजें होगी वो खुद ब खुद ही खत्म कर देंगी, जो जनरल पब्लिक है वो खुद ही जाके उनका हौसला अफजाई कर रही है, उनको व्यूज देके, हाँ शाबाश आपने ये बहुत अच्छा किया, आपने बिया की पिक्चर लगा दी, वाह ये तो बिया छुपी हुई थी, आपने तो बिया का ढूंढ के लाए हो, तो ये इस जनरल पब्लिक की बात कर रही है आप, ये तो जो आग लगाने वाले उनकी बात, अगर जनरल पब्लिक में बहन बात नहीं, जनरल पब्लिक ना उसको यही चाहिए कि अगर कोई भी किसी की प्राइवेट चीज, मैं अपने चैनल पे किसी की भी पिक्चर लगाता हूँ ना, तो उसको हक है कि वो आके रिपोर्ट करे, क्यों नहीं कर रहे वो उन चैनल वालों का हौसला बढ़ा रहे हैं, वो चैनल वाले तभी तो आगे बढ़ रहे हैं ये सारा कुछ करने के लिए। चलें ठीक है सिस्टर, बहरहाल मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ना अपनी अपनी ब्लॉगिंग करें, ठीक है, बाकी रही बात हमारी, तो हमारा किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है, आप जो भी हैं एक दूसरे की चीजें निकालना या बंद करें, इन सबको खत्म करें। आप मुझे ये बताएं ना कि जब हम सब एक साथ थे, एक ग्रुप में थे, तो तभी हम सारे ठीक थे, अब जब हम अलग-अलग हो रहे हैं तो क्या हम सारे गंदे हो गए? तो इसीलिए मेहरबानी होगी आप सबकी, एक दूसरे की चीजें निकालना बंद करें, चाहे वो शबनम सिस्टर है, रहमानी सिस्टर है, अक्सा सिस्टर है, ठीक है ना, उसके अलावा कृति सिस्टर हो गई, बिया सिस्टर हो गई, कोई भी है, एक दूसरे की चीजें निकालना बंद करें, खत्म करें ये सारा कुछ, जिसका चैनल है वो अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करें, ये सारा कुछ खत्म करें बस।